रिपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, कैमरा ऑन है भाई। भाई पैरा पैरा पैरा, कोई बात नहीं, तरफ मार्केट है भाई। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं बाइक के लिए, क्योंकि बाइक में थोड़ा सा और काम रह गया था। वो जो मैंने रास्ता चढ़वाया था ना, तो उस पर टेपिंग करवानी है बाइक। अगर मान लो मैं सर्विस करवाता हूँ, या कभी गीली हो जाती है, या कभी बारिश पड़ जाती है, तो वो रस्से के साथ साथ ना भाई, जो वो लेग गार्ड होता ना, उसमें भी जंग लग जाएगी। तो मैं आज वही काम करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बस अभी कुछ खा के फिर चलते हैं। और हाँ गाइज, आपको मेरा पिछला वाला भाई मोटो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। अगर आपको और भी ऐसे मोटो ब्लॉग देखने हैं तो भाई कमेंट ज़रूर करना। ज़्यादा कमेंट करोगे तो भाई तो मैं शूट करूँगा, और नहीं तो फिर अगर आप पसंद नहीं आए तो मैं नहीं शूट करूँगा। तो भाई कमेंट और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ले। तो अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो चुका हूँ, बस खाना खा के बस अभी निकलना है, बस टाइम भी ज़्यादा हो गया तो अभी चलते हैं। ओके, तो गाइस फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी बस निकलते हैं। तो गाइस, ये रहा अपना सेटअप, हेलमेट। मैं कुछ मोटो ब्लॉगिंग के लिए इस तरह से रेडी करता हूँ। ओ भाई, दिल्ली में गाड़ी लोग पता नहीं कैसे चलाते, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते बिल्कुल ही। अभी एक लड़का आ रहा था और पीछे लड़की बिठा रही थी, एकदम से मेरी बाइक के सामने आ गया। वो तो सही है, उसने भी ब्रेक मार ली और मैंने भी ब्रेक मार ली। पता नहीं भाई क्या लड़कों में, लड़की बिठा के पता नहीं क्या दिखाना चाहते हो दुनिया वालों को। भाई मैं हमेशा से सोचता था कि भाई मेरे को ना दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी देखनी है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज देखना मेरे को। तो भाई देखो, ये है इस तरफ कॉलेज है, इस तरफ कॉलेज है, तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई मैं ना मतलब काफ़ी बार आ चुका था यहाँ पे वैसे तो, पर मुझे पता नहीं था कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इस तरफ भी कॉलेज है भाई, इस तरफ भी कॉलेज है, देख सकते हो आप बिल्डिंग है, और स्टूडेंट यहाँ पे घूम रहे हैं। तो भाई कॉलेज तो मैं खैर जा नहीं पाया, तो भाई एक कॉलेज वाली फील ज़रूर ले लेता हूँ। जब भी इस रास्ते से आता हूँ ना, तो मैं भाई यहाँ के स्टूडेंटों को देखता हूँ। तो भाई यहाँ पे मतलब सही से अपना घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती लेते हैं, और आप सब समझ सकते हो कॉलेज लाइफ किस तरह से होती है। तो भाई ये देखो, इस तरफ गेट है, गार्ड बैठे हुए हैं, और ये स्टैंड है यहाँ का, देख सकते हो राम कॉलेज, ये स्टैंड है। तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है मतलब इस रास्ते से आके और कॉलेज देख के ना, मतलब रियल में तो मैंने कॉलेज देखा नहीं, बस इसी रोड से गुजरता हूँ तभी मैं देख लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। और कभी कभी भी अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो स्कूल की भी याद बहुत आती है, कि भाई हम इस रास्ते से स्कूल जाया करते थे और मौज मस्ती ये सब किया करते थे। तो बस यही बताना चाहता था मैं आपको। तो भाई बस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। भाई लोकेशन है दिल्ली में है, करोल बाग मार्केट है। बाइकों की, कारों की जो भी मॉडिफाई होती है सब वहीं पर होती है दिल्ली में। और भाई ये वाला जो एरिया है ना इस तरफ का, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। भाई देखो ट्रैफिक हर जगह, छोटे छोटे रोड, भाई बहुत बहुत जाम रहता है इस वाले एरिया में, क्योंकि दिल्ली छः भाई तुम्हें पता ही है, जो न्यू दिल्ली साइड में और जो ओल्ड दिल्ली साइड में रहता होगा या फिर कभी गए होंगे तो आपको पता है कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो भाई काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर देखो इस तरफ। तो भाई हम करोल बाग की मार्केट में आ चुके हैं, और भाई देखो आज संडे वाला दिन है ना, तो काफ़ी भीड़ रहती है, और मंडे को मार्केट बंद रहती है। जिसको आना है तो भाई मंडे को मत आना, मंडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है, और संडे को रहती है भीड़। या तो संडे को आओ या फिर बीच में कभी भी आओ, संडे को मत आना। वैसे मेरे पास टाइम था नहीं, इसलिए मैं संडे को आया हूँ। और भाई देखो वैसे कभी भी आ जाओ यहाँ पर ना, आपको भीड़ ही मिलता है भाई। तो उसी के लिए अभी दुकान देख रहा हूँ मैं, किस दुकान से करवाऊँ। और यहाँ पे एक तो भीड़ इतनी है, कुछ भी देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। और यहाँ पे ना सारा सामान गाड़ियों का ना थोक रेट पे मिल जाएगा आप। तो भाई अभी मैं पन्नी चढ़वा रहा हूँ, मैंने भाई से पूछ लिया
ये लाइट तो नहीं हटाने जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देख लो, ये है पूरी मार्केट करोल बाग की। इस तरफ दुकान है सारी, इस तरफ दुकानें हैं। बहुत से कम लोकल में नहीं होते, मार्केट में आना पड़ता है, तो इसीलिए मैं मार्केट में आया हूँ। तो अभी भाई रैपिंग कर रहे हैं। तो भाई मैंने गाड़ी में मॉडिफाई भी करवाया था कुछ, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी। ये रस्ता करवाया था, ये लाइटिंग करवाई थी मैंने, और ये वाला लॉक भी लगवाया था मैंने पिछले वाले ब्लॉग में, आप देख लेना। जिसको जिसने ब्लॉग नहीं देखा वो देख लेना भाई पिछले वाले ब्लॉग में। सही लग रही है भाई पन्नी तो। पन्नी फटेगी तो नहीं है? जल्दी फटता नहीं भाई, जल्दी फटता नहीं। तो भाई देखो कुछ इस तरीके से पन्नी चढ़ाई है यहाँ पे। ठीक है भाई, लग तो सही रही है। इस वाली लोकेशन पे ना काफ़ी लोग आते हैं, यूट्यूबर आते हैं, ब्लॉगर आते हैं, मोटो ब्लॉगिंग वाले भी काफ़ी लोग आते हैं भाई। और भाई यहाँ पे एक तिरंगा चौक है, तिरंगा चौक के नाम से ही भाई मशहूर है यहाँ पे। तो भाई पेट्रोल खत्म हो गया लगता भाई का। चलो भाजी, मैं यहाँ पे एक दो तीन तीसरी चौथी बार आ गया भाई। देखो ये है तिरंगा चौक, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। तो भाई आप यहाँ पे आके पता कर सकते हो। चलो अंकल जी। तो भाई मेरे को मोटो व्लॉगिंग करने में ना मज़ा आ रहा, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी ना घबराहट सी होती है, डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। शायद वो कॉन्फिडेंस लो की वजह से होता है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी भाई। मैं साफ बात बताऊँ तुम्हें, अब भाई धीरे धीरे चीज़ों को, नई नई चीज़ों को मैं कोई करता है ना तो थोड़ा सा लगता ही है। तो मैं वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। चलो चलो चलो, नहीं लगी। तो भाई मेरे को तो ना स्प्लेंडर बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। फर्स्ट पे आती है स्प्लेंडर, सेकंड पे आती है अपाची, थर्ड पे आती है बुलेट। ये टू व्हीलर में मेरे को ये तीन बाइक अच्छी लगती है, और फोर व्हीलर में तो भाई देखो सबकी चॉइस होती है हैवी हैवी। जैसे कि मेरी चॉइस है भाई फोर व्हीलर में, क्या बोलते हैं, फॉर्चुनर, लेजेंडर हो गई, थार हो गई भाई, इस तरह की थोड़ी हैवी चॉइस है। कभी पूरे होंगे तो भाई आप लोगों को जरूर बताऊंगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो। तो भाई यहाँ पे ना दिल्ली के लोगों की ना एक गलत बात लगती है, गाड़ी ना बिल्कुल चिपका के, मतलब जैसे कि जाम में फंस रहे हो ना, चिपका के गाड़ी लगाते हैं। अब थोड़ा सा भी बंदा आगे पीछे गाड़ी करे ना तो भाई गाड़ी में लग जाती है, नुकसान भी हो जाता है, फायदा नहीं। और भाई मेरे को ये जो टाटा नेक्सन गाड़ी है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है, वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। और बैटरी वाली भी चली है गाड़ी टाटा नेक्सन में, पर बैटरी में मेरे को ज़्यादा लगता नहीं कि इस टाइम पे भी कामयाब है, बट डीजल में ठीक है, डीजल पेट्रोल ठीक है। अपने भाई भाई पैर है, पैर है, पैर है, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा ऐसे होता है, कभी पैर पर गाड़ी चढ़ जाती है, कभी कुछ, जैसे कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, लेकिन भाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहावत में ही अच्छी लगती है दिल्ली दिल वालों की, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली है लूटने वालों की, साफ बात बताऊँ मैं आपको। तो भाई देखो पब्लिक रिएक्शन, भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा लगता है यार कोई मुड़ मुड़ के देखता है तो। हमें काफ़ी लोगों ने देखा, वैसे तो कैमरा चालू नहीं था ना उस टाइम पे मेरा, क्योंकि तो गाड़ी चलाते वक्त एकदम से कैमरा चालू भी नहीं कर सकते, सब देखना पड़ता भाई आगे पीछे गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, तो इसलिए मैं भाई कैमरा जब भी चालू करता हूँ, जब थोड़ा मेरे को लगता है कि हाँ भाई भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो यार मैं नहीं करता कैमरा चालू, क्योंकि यार खाने पीने की गाड़ी ठुक जाए किसी में तो नुकसान हो जाए फिर वही कलेश। तो ठीक है यार जैसा भी है, फिर ट्रैफिक, फिर ट्रैफिक, ये भाई ट्रैफिक जीने नहीं देगा लग रहा है। ओए, ओ भाई साहब मारेगा क्या, यही को मार दिया भाई, निकलने में नहीं देते भाई। अभी ना एक बाबा थे, वो ना मतलब रिक्शे पे लोडिंग कर रहे थे, तो उनकी वो बिल्कुल ही उन्होंने ना मेरे बाइक के पीछे लगा रखी, बिल्कुल अपना रिक्शा बिल्कुल पीछे लगा रखा टायर, हल्की सी मैंने हल्की सी भाई पीछ होगी गाड़ी, कह रहे बाबा टायर है तोड़ है वो। मैंने बोला भाई बाबा आपने अभी तो बिल्कुल सटा के गाड़ी लगा रखी है अपनी, थोड़ी गाड़ी को पीछे रखा करो, आई मीन मतलब रिक्शे को पीछे रखा करो थोड़ा। चुप हो गए।
भाई देखो मैंने टेपिंग ये 50 रुपये की करवाई है, ठीक है। उन्होंने एक पन्नी होती है ना रोल टाइप की, वो लगाई है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार 50 रुपये लिया, कहीं मैं लुट तो नहीं गया उनसे, क्योंकि ये पन्नी ना मैं खरीदूँगा ना तो इतने 50 रुपये की भी नहीं आएगी ये पन्नी, बहुत सस्ती रेट में आएगी। लेकिन अब पता नहीं भाई एक ट्रेन चलेगी नहीं चलेगी। तो भाई अगर ये सही चली तो भाई 50 रुपये वसूल है, नहीं चली तो भाई अली फोकट में 50 रुपये लगते। तो भाई जो ये बस है ना, ये बस के पीछे कभी मत जाना, इतना वो फेंकती है भाई हीट, इतना हीट फेंकती है ना बंदा जल जाए। मैं तो 100 मीटर दूर ही रहता उस बस से। तो अभी फ्लाईओवर चढ़ते हुए भाई मैं ना गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने फ़ोन लगा रखा है, रिकॉर्डिंग चालू है। मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आदत नहीं है बोलने की इतनी, तो कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं। तो एडिट करूँगा ना तो जो गलत बात होगी ना, जो गलत चीज़ होगी, जो कुछ भी हम ही बोल दी हवा में तो कट कर दूँगा, जो ठीक ठीक लगे ना लगेगी ना बात करो वो रख लूँगा। ये जो एरो है ना भाई, हर रोड पर लगने चाहिए ये वाले एरो, पता चलता है ना भाई इस तरफ भी मतलब रास्ता है, बहुत से रोडों पे फ्लाईओवर पे लगे ही नहीं होते। भाई जो ये आप झंडा देख रहे हो ना, शायद आपको दिख रहा होगा, ये जो झंडा देख रहे हो ये दिल्ली में ना भाई हर जगह लगे हैं झंडे, हर जगह। मेरे को भी नहीं पता कहाँ कहाँ लगे, बट दिल्ली में ये हर जगह झंडे लगे हैं भाई, बहुत जगह लगे हैं झंडे। पता नहीं क्यों लगवाया है झंडा भाई, सबको पता हमारा देश महान है, भारत है भाई। झंडा लगाने से बढ़िया गया यार सरकार कुछ अच्छा काम करवा देती गरीबों के लिए, कुछ करवा देती है, अस्पताल खुलवा देती है, अस्पताल या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार गरीबों के लिए करवाने के लिए। पता नहीं झंडा लगवा के सरकार भी ना भाई हमारी बहुत मतलब दरिया दिल है इन चीज़ों पर भाई पैसा खर्च कर देगी, लेकिन गरीबों के ऊपर इतना पैसा खर्च पता नहीं क्यों नहीं करती। ओके तो गाइस फिलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ, और आपको आज के व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, और मोटो व्लॉगिंग आपको कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपके लिए मोटो व्लॉगिंग और भी अच्छे अच्छे बनाऊंगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।